पार लेके अच्छी तले मसाला कर, अल्लाह सादी भी मदद करेगा। छोटे छोटे बच्चे इनके लिए आप स्कूल कोई खोल लें अच्छा सा, जो बगैर फीस के हो, जिससे आप लोग ये पढ़ सके और ये भी आगे जाके कुछ बन सके। ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, खुदा के लिए कुछ तो वसाइल होने चाहिए। उनकी हालत ज़ार देख के सच पूछें तो दिल खून के आंसू रोता है। और अगर हमसे असी ये चाहते हैं साढ़े बच्चे दूसरे बच्चों तरह पढ़ लिख के अच्छी तले मसल कर, अल्लाह सादी भी मदद करेगा। आज गाँव में हम आए, हवेली खेतों में बनी हुई है और ये वहाँ रहते हैं बच्चे, कच्चे घर हैं ये बच्चे, बेचारे तलीम से महरूम हैं। तो हकामे बाला से ये अपील है कि इन बच्चों के लिए भी कोई तलीम का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और अब आपको हम दिखाते हैं इनके घर बने हुए कच्चे छोटे छोटे, जहाँ ये लोग रहते हैं उधर ही जानवर इनके बांधे हुए हैं। ये उन्होंने छोट यानी घर का वो सेंट के लिए उन्होंने बनाया हुआ है छोटा छोटा, ईंटें लगा के डिज़ाइन के साथ उसके अंदर। दीवारें चूल्हे रखे हुए हैं, कच्चे कमरे, लकड़ी का दरवाजे और ऊपर लपाई की हुई है। रहने सहने के उनके तरीके हैं। जी साथ ही उन्होंने जानवर बांधे हुए हैं, जो कि धूप का टाइम तो सब छांव में बैठे हुए हैं जानवर भी। और इसके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे इनके लिए आप स्कूल कोई खोल लें अच्छा सा, जो बगैर फीस के हो, जिससे आप लोग ये पढ़ सके और ये भी आगे जाके कुछ बन सके। तो ये गांव पे खजूर काटी थी, खराब बाकी सारी खराब निकली है, बस एक ठीक निकली थी। और सबको पता है खजूरें ठीक होती हैं सेहत के लिए, तो यहाँ पे ना बाकी सारी खराब हो गई थी, तो बस एक ही बची है, तो फिर वो हो जाती है।
खराब कोई बीज निकल आते हैं, कभी खराब कोई पौधे निकल आते हैं, ऐसा ही होता है खराब चीजें। आप बैठे ना, मैं बना देती हूँ। जिंदगी का ये भी एक रुख है, जहाँ पे हसरत, यास और मायूसी टपक रही है। ये भी बच्चे हैं इस भाई के, इस बहन के। और आपने ये भी देखा कि ये एक इनकी एक बहुत ही छोटी सी एक बच्ची, जिसे हम जल्दी कहते हैं, वो जल्दी में सोई हुई है। तो ये चूंकि हमारे देहात के अनपढ़ सादा लोग हैं, बेसिकली वो किस्मत पे यकीन रखते हैं। और हमारे मुआशरे ने सिखाया ही हम सबको ये है कि किस्मत ही सब कुछ है। यानी हालांकि हम कहते हैं कि ये इंसाफ का दोहरा मुआशरती निज़ाम है, जहाँ पे ऊंच नीच की तफरीक बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे मासूम से बच्चों के लिए इनकी तालीम का एहतमाम किया जाए, इनको वसाइल मुहैया हों। तो आप देख रहे हैं ये कितने प्यारे बच्चे हैं। देखो ये कितनी प्यारी बेटी है, ये देखें इनकी कितनी प्यारी नन्नी मुन्नी, कितनी खूबसूरत सी बच्ची है। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो सब इंसानों की शक्लें एक जैसी खूबसूरत बनाई हैं, और इंसान को आसान तकवीम पे फायज़ किया है। इंसान एहसन मखलूक है, अशरफुल मखलूकात। इसीलिए तो कहते हैं कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का, अगर किसी साहब सरवत के पास कोई अख्तियार होता तो शायद वो हुसन भी अपने पास ही रखता, किसी गरीब को कभी खूबसूरत ना होने देता। मगर चूंकि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि उसने इंसान की तख्लीक, इंसान की पैदाइश, इंसान की मौत, इंसान की शक्ल सूरत, ये अल्लाह पाक ने अपने पास रखी है। लेकिन इस ज़मीन के जो वसाइल हैं, इस तो वो भी अल्लाह ताला कहता है कि ये जो ज़मीन के वसाइल हैं, ये भी हर इंसान के लिए इस तरह बराबर हैं कि अगर इनमें इंसाफ आ जाए, मुनसफाना तकसीम आ जाए, तो गुर्बत और अमारत का ये जो दोहरा मियार ज़मीन व आसमान को छू रहा है, ये कभी भी कायम ना रह सके, ये धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाए। तो मेरी बेटी बिनते हवा जो है, बेसिकली हम अपनी बेटी की जो है तलीमो तरबियत इस तरह कर रहे हैं कि हमारी बेटी बिनते हवा, हम चाहते हैं कि जब वो बड़ी हो जाए, बड़ी हो के बल्कि बचपन से ही वो ऐसे ही गरीब बच्चों की, ऐसी गरीब बेटियों की, ऐसे गरीब भाइयों की एक ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ बने,
तो हम चाहते हैं कि ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, खुदा के लिए कुछ तो वसाइल होने चाहिए। उनकी हालत ज़ार देख के सच पूछें तो दिल खून के आंसू रोता है, और अगर हमसे कुछ बन पाया तो ज़रूर हम ऐसे लोगों के लिए, वो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, हम उनकी आवाज़ तो बन सकते हैं, बने भी हुए हैं, चूँकि आवाज़ पे कोई कीमत नहीं, इनके मसाइल उजागर करने पे कोई कीमत नहीं, लेकिन अब मुआशरे के उन तबकात का एक फ़र्ज़ बनता है जो हमारी इन चीज़ों को देखते हैं, वो हमारे दर्द को समझें, हमारे दिल की सदा को समझें, हमारी हूक को समझें, और वो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए अमली तौर पर कुछ ना कुछ करें। क्या आप लोग ये बताएं कि व्लॉगिंग की दुनिया में कच्चे घरों को बहुत पसंद किया जाता है, ये कच्चे घर इस हद तक तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं कि ये एडवेंचर तो हो सकता है, लेकिन जब अमली तौर पे बारिश के दिनों में और सर्दी और गर्मी के मौसम में जब ऐसे घरों में रहने वालों के मसाइल से वास्ता पड़ता है तो सोचने समझने वालों की, हसास लोगों की चीखें निकल जाती हैं, तो इनका भी दिल चाहता है कि वो ज़िंदगी को अच्छे वसाइल के साथ गुजारें, इनके बच्चे अच्छी अच्छी तालीम हासिल करें, इनके बच्चे जो हैं वो भी बड़े स्कूलों में जाएं। क्या बड़े स्कूल एचिसोनियन, एलजीएस और इस किस्म के जो बड़े बड़े नाम हैं वो सिर्फ क्या किसी एक ख़ास तबके के लिए हैं? क्या इनके नसीब में भी कभी होगा कि इन लोगों के बच्चे भी ऐसे स्कूलों में, बड़े नाम वाले स्कूलों में जा सकें? तो हम चाहते हैं कि ये जो आप बच्चे देख रहे हैं वो भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें, जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें मयार हो, जिसमें इंसानियत हो, जहाँ बराबरी की तालीम दी जाए, और ऐसे इस बेटी की तालीम के लिए बिनते हवा ऑफिशियल हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो दरख्वास्त करता है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे बेबीज़, ऐसे बच्चे कभी लोग अपने अपने इलाकों में देखें तो इनकी मदद करें।